ईरान में मॉरल पुलिसिंग का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा घायल है। ये प्रदर्शन देश के पश्चिमी हिस्से में शुरू हुए थे। इस इलाके को कुर्दिस्तान कहा जाता है। यहाँ के लोग कई साल से अलग देश की मांग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में विस्तार ले रहा महाकाल परिसर उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का महीने भर के अंदर मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा होगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उज्जैन प्रवास के दौरान दी। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार ने कांस्टेबल को उड़ा दिया। कांस्टेबल को मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। उसके साथ खड़े 3 अन्य पुलिसकर्मी इधर उधर भाग गए तो उनकी जान बच गई। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के पास 17 सितंबर को हुई इस घटना का वीडियो सोमवार रात को सामने आया है। घटना के बाद ड्राइवर कार लेकर भाग निकला। बाद में पुलिस ने कार जब्त कर ली। चालक की तलाशी जारी है। बांका जिले के रजोन थाने पहुंची एक हाई स्कूल की छात्रा फूट फूट कर रोते हुए न्याय की गुहार लगाने लगी। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसी के गांव के आसपास के एक युवक ने उसे जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद उसकी मांग में सिंदूर भरकर 6 दिनों तक रेप किया। इसके बाद उसने आग पर पट्टी बांध कर जंगल में छोड़ दिया और फरार हो गया। छात्रा ने सोमवार को आवेदन भी थाने में दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में जोमेटो डिलीवरी बॉय ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। 42 साल का रईस शेक ऑर्डर देने कोंडवा इलाके के अपार्टमेंट में गया था, जहां मौका पाकर उसने लड़की को पीछे से पकड़ लिया और गाल पर किस कर दिया। इसके बाद वह चला गया और लड़की को व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा। परेशान लड़की ने कोंडवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रईस को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का परिणाम अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। संभवतः 2 अक्टूबर को शहरी आवास मंत्रालय पुरस्कारों की घोषणा कर सकता है। लगातार 5 बार से इंदौर सफाई में नंबर 1 बना हुआ है। अब सिक्सर लगाने की तैयारी में है। इस बार सर्वेक्षण के लिए 7500 अंक निर्धारित किए हैं। 7 स्टार रैंकिंग व स्वच्छता पर सर्वेक्षण के परिणाम एक ही दिन जारी किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पिछले 6 दिनों के अंदर उनसे दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू 2 बार पूछताछ कर चुकी है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने से जैकलिन के दोस्त और सुपरस्टार सलमान खान ने दूरियां बढ़ा ली है। एक्टर कार्तिक आर्यन को आए दिन अपने फैंस के साथ स्पॉट किया जाता है। हाल ही में एक्टर का नया वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें एक्टर ने इकोनॉमिक क्लास में आकर फैंस को सरप्राइज कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी बहन अमृता अरोड़ा के साथ ओटीटी पर नजर आने वाली है। दरअसल दोनों बहनें जल्द ही एक शो लेकर आ रही है, जिसका नाम अरोड़ा सिस्टर्स है। पिंक विला के मुताबिक मलाइका ने शो में अपने एक्स हस्बैंड अरबाज खान और बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। एशिया कप 2022 में भारत के खराब परफॉर्मेंस के कई कारण सामने आए थे, जिसमें से एक था एक मजबूत प्लेइंग 11 का ना होना। टीम में लगातार होते बदलाव के चलते कप्तान रोहित शर्मा एक फिक्स प्लेइंग 11 बनाने में नाकाम रहे थे।